धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए दिन चर्चा में रहते हैं और उनके भक्त अक्सर ये उनसे पूछते भी हैं कि वे शादी किससे करेंगे और कब करेंगे। कई बार तो जया किशोरी के साथ भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम जोड़ा गया था, हालांकि दोनों ने इसका खंडन भी किया है। अब एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा में है। कई युवतियां उनसे शादी करने की इच्छा रखती हैं, मगर ये साफ नहीं हो सका कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिर कब शादी करने वाले हैं। हालांकि इस बार चर्चा उनकी शादी नहीं करने की है। दरअसल उनके पारिवारिक गुरु पंडित गोविंद स्वामी महाराज ने कहा है कि अगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शादी होती है तो उनकी शक्तियाँ कम हो सकती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता के गुरु और डंडी आश्रम के पंडित गोविंद स्वामी महाराज ने सलाह दी है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी ना कराई जाए। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के माता पिता से कहा है कि उनकी शादी के चक्कर में मत पड़ो। गोविंद स्वामी महाराज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शादी नहीं करनी चाहिए, अगर वो शादी करते हैं तो उनकी शक्तियाँ कम हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी ना हो। गुरु गोविंद स्वामी महाराज ने कहा उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की मां को धीरेन्द्र की शादी के लिए मना कर दिया था और ये सलाह दी है कि अगर शादी करानी है तो अपने छोटे बेटे की करा दे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इसी तरह काम करने दे। गुरु गोविंद स्वामी महाराज ने आगे कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी उन्हें बहुत मानते हैं।